नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा, आप राजस्थान तक देख रहे हैं। बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने, आप देखिए, पिछले 7 दिनों से लगातार बाड़मेर शहर को पूरी तरीके से स्वच्छ करने के लिए जो अभियान शुरू किया था, क्योंकि आप देखिए आमतौर पर इससे पहले भी कई बार अभियान शुरू हुए जिसके अंदर कलेक्टर या बड़े अधिकारी होते हैं, वो एक आधा दिन देखते हैं, कई गलियों में जाते हैं या स्टेशन या मेन रोड पर जाकर और देखते हैं कि कितनी साफ सफाई है, कुछ दिशा निर्देश देते हैं और उसके बाद में दूसरे या तीसरे दिन जाते नहीं, और उसी के कारण से जो वो अभियान है वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाता है। लेकिन आप देखिए बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी, 7 या 10 दिन पहले जो नवो बाड़मेर के नाम से एक अभियान शुरू किया गया था उसके अंदर टीना डाबी ने ऐसे जो बाड़मेर शहर है उसके अंदर तमाम जितने भी, चाहे वो 55 वार्ड है या इस तरीके से जो मुख्य चौराहे हैं या आप देखिए मार्केट है, मार्केट के अंदर टीना डाबी सिस्टम को सही करने के लिए आप देखिए पहले 2 दिन तक लगातार बड़े एक्शन मोड में नजर आई। एक एक जगह, एक एक गांव, एक एक शहर के अंदर दुकान मेन चौराहे पर जाकर खुद 8-10 घंटे यहां पर स्पेंड किए। पूरी टीम थी, कम से कम 20 से 25 अधिकारी थे और वो जो तमाम अधिकारी थे वो एक एक वार्ड में जाकर तमाम चीज़ों को देख रहे थे। और उसके बाद में आप देखिए यही वो रोड थी जो कि एक सोशल मीडिया पर आपने देखा था कि 2-3 वीडियो है वो बहुत सारे वायरल हुए थे, जिसके अंदर आप देखिए इस रोड, शायद आप देखिए जब ये रोड बनी होगी उससे बाद में पहली दफ़ा ऐसा मौका है जब आप बाड़मेर शहर के किसी भी हिस्से के अंदर चले जाएंगे तो आपको साफ सफाई के तौर पर मिलेगा। रोज की टीना डाबी है वो डेली, आप देखिए डेली, चाहे छुट्टी का दिन हो, छुट्टी के दिन यानी कल रविवार का दिन था, आमतौर पर IAS है वो जरूरी काम होता है तो ही निकलते हैं, लेकिन टीना डाबी ने कल भी 2 से 2.5 घंटे तक लगातार बाड़मेर शहर के उन इलाकों के अंदर उन गलियों में जाकर लोगों से जागरूकता की, महिलाओं से बातचीत की, बच्चों से बातचीत की और उसके बाद में जो बड़ा आदर्श स्टेडियम है वो वहाँ पर जाकर देखा कि इस स्टेडियम को जहाँ पर लोग हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं उसको कैसे सुधारा जाए। आमतौर पर आप देखते हैं कि सफाई के लिए सरकार से फंड आएगा, तमाम चीज़ें होगी, उसके बाद अभियान, लेकिन टीना डाबी ने ऐसा बताया जाता है 50 से 100 ऐसे भामाशाह जो कि यहाँ के रहने वाले हैं जिनके करोड़ों रुपए के कारोबार है, उन लोगों के साथ में बैठी, एक प्लान बनाया हर एक जगह को लेकर कि आपको इस जगह को सही करना है, साफ़ सुथरा करना है, यहाँ पर रिनोवेशन करना है। ऐसा ही एक आप देखिए, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से तस्वीरों में बताइए, ये एक सर्किल है जो कि मेन चौराहा है क्योंकि सामने रेलवे स्टेशन है और मेन चौराहा है और यहीं से जो लोगों की जो आवाजाही है वो होती है। तो इस सर्किल को सुधारने के लिए आप सोचिए 10-20-25-50 लाख रुपए सरकार के फंड का कब तक इंतज़ार करती, तभी एक भामाशाह है उनको दे दिया कि साहब आप इस जो ये सर्किल है बहुत पुराना सर्किल है इसको थोड़ा रिनोवेशन कर दीजिए, फुहारे लगा दीजिए। और इसी तरीके से दूसरा जो बड़ा चेंज किया टीना डाबी ने, आप देखिए कि वो एक एक जगह पर जा रही है। अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ दोपहर के 1:30-2 बजे है, 1 घंटा भर पहले टीना डाबी है वो अपने ऑफिस से निकली है, बाड़मेर के शहर के अलग अलग हिस्सों के अंदर जाकर वहाँ देख रही है कि किस तरीके से सफाई व्यवस्था या जो नाले की जो लाइन चलती है उसके अंदर क्या कुछ दिक्कत आ रही है या सड़क जहाँ पर सही नहीं है वहाँ पर उसे कैसे सही किया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर वो पूरी तरीके से वो जिस तरीके से विजिट कर रही है उसके बाद में आप देखिए अधिकारी हो या कर्मचारी हो उनकी जो एक्टिवनेस है वो बढ़ गई है। और उसके बाद में जो बड़ा चेंज आया, सबसे बड़ा चेंज आया है वो आया है बाड़मेर के लोगों के अंदर, जो आप देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आप देखिए पूरे भारत को स्वच्छ बनाने के लिए लगातार है, वो हमेशा अपनी स्पीच के अंदर कहते हैं। शायद मुझे लगता है कि टीना डाबी है जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है वो साकार कर रही है कि मैं अपने इस ज़िले को किस तरीके से स्वस्थ बनाऊं। और उसी का असर है, ऐसा नहीं है कि बाड़मेर के अंदर वो खुद मॉनिटरिंग कर रही है, बाकी जितने भी अफसर है, चाहे चौहटन है, उपखंड अधिकार उपखंड क्षेत्र है या तहसील ऑफिस है या उस इलाके के अंदर छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ पर भी ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिया। बड़ा जो बाड़मेर के अंदर चेंज आया है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरों में बताए, आमतौर पर हम कभी भी बाड़मेर के अंदर जाते थे तो इससे पहले कभी भी इस तरीके से जो कचरा पात्र है वो कभी नज़र नहीं आता था, लोग इसी तरीके से आते थे और डाल देते थे, लेकिन आप देखिए अब आप किसी भी दुकान पर चले जाएंगे तो आपको इसी तरीके से जो कचरा पात्र है वो नज़र आएगा, लोग हैं, लोगों के अंदर
थोड़े से मैनर्स आ गए हैं, लोग हैं वो स्वच्छता को लेकर दुकानदारों के अंदर इस बात का खौफ है कि कभी भी मैडम आ सकती है। और टीना डाबी ने जो दो दिन की विजिट थी उस दौरान दुकानदारों से प्यार से समझाया, थोड़ी डांट फटकार की, शायद उसी का असर है कि उनका जो ये स्वच्छता का पूरा आंदोलन है या अभियान है वो साफ तौर पर सफल हो रहा है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।